चिटफंड कंपनी से परेशान होकर युवक पहुंचा जिला पंचायत सीधी, कलेक्टर से की शिकायत। सीधी जिले में चिटफंड कंपनी के द्वारा कई लोगों से पैसा जमा करवाया था, लेकिन अब मैच्योरिटी की राशि उन्हें नहीं दी गई है। लोगों ने अपना पैसा जमा तो किया, पर उन्हें मैच्योरिटी की राशि नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए लगभग मार्च के महीने में 32 लोग पहले ही आवेदन दे चुके हैं, जहां आज फिर से जिला पंचायत सीधी में एक युवक कलेक्टर से मिलने पहुंचा और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। पीड़ित रामचंद्र साकेत ग्राम बौद्रहा ने जानकारी देते हुए बताया है कि मैंने 24,000 रुपए राशि जमा की थी, लेकिन अब उसकी मैच्योरिटी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी हमें राशि नहीं मिल पाई है। हमने कई बार थाने में भी शिकायत की, लेकिन थाने से कहा भी जाता है कि वहां कंपनी अब भाग गई है, इसीलिए आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जिला पंचायत सीधी में पहुंचकर युवक ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है व आवेदन दिया है। क्या नाम है भैया आपका? रामचंद्र साकेत। कहाँ से आए हैं? बौद्रहा से। क्या समस्या लेकर आए हैं? एसबीएन बैंक से बीमा जमा हो रहा। एसबीएन कंपनी, चिट फंड कंपनी में? जी हाँ, जो हाँ सीधी में बैंक बंद हो गई है। हाँ, तो वह भाग गए। कितना पैसा दे रहे हैं? 24,000 जमा करे। और कितना देख है रही कंपनी? 50,000। और एजेंट के रहा? एजेंट बाबूलाल साकेत सूर्या से आए। अच्छा, तो ये पैसा अब नहीं दे वाला है? बाहर तक हमारे रिपोर्ट कर दिया, हम भाग बैंकर कहाँ पाई। तो पहले कंपनी रही है सीधी में? हाँ, सीधी में रही है, बैंक रही है। अच्छा अच्छा, एक आध बार अपना थाना और नाम शिकायत करें। हाँ, थाना शिकायत करें। थाने वाले का कह रहे? थाना वाले कहें यहाँ के जो बैंकर भाग कर क्या करी। जी ठीक, कहाँ चाहिए थे अपना? चाहिए थे पैसा मिल जाए, मान लीजिए।